वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले बात हो रही थी सेनेट इंतखाबात और उसको लेके काफ़ी हलचल जो कि अपोजिशन के अंदर और मौजूदा हुकूमत के अंदर वाज़े तौर पे मौजूद है। पीटीआई इस पे अपना क्या मौकफ रखती है, इस पे बात करेंगे। हमारे साथ टेलीफोन पे मौजूद है नीलम इरशाद साहबा हैं, मुआविन खसूसी वज़ीर आला पंजाब हैं, उनसे जान लेते हैं। नीलम साहबा, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। क्या कहेंगी, हुकूमत का मौकफ क्या नज़र आ रहा है इस वक्त, जिस तरह से लोग परेशान हैं, अपने अरकान आपसे नाराज़ नज़र आते हैं, क्या कहेंगी इस पर? तकरीबन तकनीकी वजूहत के बिना पर उनसे रबता मुनक़ा किया, दोबारा रबता करने की उनसे कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह से मौजूदा हुकूमत के अंदर अरकान उनसे नाराज़ नज़र आ रहे हैं मौजूदा हुकूमत से, खान साहब की जानिब से कुछ दिन पहले एक मीटिंग कॉल की गई थी, उसके अंदर तमाम वुज़रा और अरकान को मदो किया गया था, बुलाया गया था, मगर काफ़ी ऐसे वुज़रा मौजूद नहीं नज़र आए, एहतजाजन उन्होंने शिरकत नहीं करी। वजूहत क्या थी, इस पर बात कर लेते हैं। नीलम इरशाद साहब ने हमें ज्वाइन किया दोबारा से। नीलम साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। क्या कहेंगी इस मौजूदा सूरत हाल के अंदर, सैनेट इंतखाबात और दूसरी जानब पी टी आई के ही कुछ अपने अरकान पी टी आई से ही नाराज़ नज़र आ रहे हैं, क्या कहेंगी इस पर? बिल्कुल भी नहीं, कोई नाराज, आपस में बातचीत तो होती है, इसमें कोई नाराजगी थोड़ी होती है। अब मैंने सेनेट के इलेक्शन के लिए अप्लाई किया, मेरी सेकेंडर देश से आई, उन्होंने कहा जी एब्सेंट लगा दिया, तो मैंने तो कोई शोर नहीं मचाया, मुझे तो कोई एतराज नहीं है। हमारी जो पीटीआई की आए और इंशाल्लाह उसको जिताए, हमें तो बहुत खुशी होगी। तो सेनेट के इलेक्शन के बारे में आप कह रहे हैं, तो अगर इमरान खान कह रहे हैं कि हैंड रेस करके करेंगे तो वो ज्यादा लीगल तरीका होगा, ज्यादा बेहतर तरीका होगा, ना कि पीपल्स पार्टी और नून लीग वालों ने जो मंडी लगाई हुई है और सबके रेट लगा रहे हैं कि जी 1.5 रुपए, तो सुना जरदारी ने दिया है, जैसे कि हमारे प्रेसिडेंट ने कहा, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि जी एआरवाई कहा था कि जी 50 करोड़ से 70 करोड़ रेट चल रहा है, तो नाउज़ुबिल्लाह इतना ज्यादा पैसा जो लगाएगा वो कमाने के लिए आएगा ना, वैसे तो नहीं लगाएगा, हलाल की रोजी वालों के पास इतना पैसा होता ही नहीं है। तो अब ये अल्लाह का नाम ले, सब पाकिस्तान को चलाने में इमरान का साथ दें। नीलम साहब, मैंने आपकी बात से यखस किया कि आपका स्टांस या पीटीआई का स्टांस ये है कि कोई भी किसी तरह की कोई लड़ाई कोई नाराजगी नहीं है पीटीआई के अंदर, मगर अब जिस तरह से हमने देखा सैफुल्ला अबड़ो साहब से मुतालिक जो बयान था लियाकत जदोई साहब का वो सामने आया, दूसरी जानब केपीके में कुछ वुज़रा कुछ अरकान ऐसे हैं जो कि सेनेट से मुतालिक उनका ताल्लुक है उनका, वो नाराज़ नजर आए, इजलास में शिरकत उन्होंने नहीं करी, काफ़ी ज़्यादा उन्होंने शकूक व शुबात का इजहार किया कि हो सकता है कि लोगों को पैसे दे के या लोग पैसे दे के सीट खरीद रहे हैं पीटीआई के अंदर, क्या वाकई ये सूरत हाल है जो चीज़ें हमारे सामने या आवाम के सामने आ रही है? बिल्कुल भी नहीं, पिछली बार भी 2018 में हमारे पीएम साहब ने जब इलेक्शन में खरीदो फरोख्त हुई थी तो उन्होंने फारिग कर दिया था। अब वो अगर एक सही तरीका, हलाल तरीका, लीगल तरीके से करना चाह रहे हैं हैंड रेस करके, तो पर्ची सिस्टम क्यों चले जिसमें बिके? अब इसमें मार्केट इनकी खराब हो जाती है ना, यही तो दिहाड़ी लगाने के दिन होते हैं इनके, ऐसे लोगों के इलेक्शन के दिनों में हो गया, सेनेट के इलेक्शन में हो गया, जनरल इलेक्शन में हो गया या जिमनी इलेक्शन में हो गया, तो ये दिहाड़ीबाजों को तकलीफ हो रही है भले वो कोई भी हो। मैं उसमें ये नहीं कहती पीपल्स पार्टी, नून लीग, कोई भी पार्टी हो, चाहे वो पीटीआई के अंदर ही क्यों मौजूद ना हो, भले भले, आई डोंट केयर, आई डोंट, आई से ओपन, आई एम वेरी ओपन, अगर किसी को तकलीफ हो रही है इमरान खान से तो ऑफ कोर्स उनकी दिहाड़ी बनने में रुक रहा होगा, उनका आड़े आ रहे हैं इमरान खान, तो ये जो 11 रुकनी टीम बनी हुई है बर्बाद हो रही है, गली गली कुचे कुचे ख्वार हो रही है, तो इनको चाहिए कि अगर ये पाकिस्तान के साथ सिंसेर है, अगर ये चाहते हैं कि इनकी आल औलाद यहाँ पे इज्जत से रहे, ना कि उठा के बच्चों को बाहर ले जाएं और बेटी को यहाँ ख्वार होने के लिए बच्ची को ख्वार कर रहे हैं, जो कि नानी भी है, मैं भी नानी हूँ, मुझे बहुत जी चाहता है मैं अपने बच्चों के साथ खेलूं। अच्छा, नीलम साहब, मैं ये जानना चाहूंगा जिस तरह से कॉन्टेक्स्ट की अभी काफी ज्यादा बात चल रही थी, लोगों से रबते हो रहे हैं, क्या किसी पीडीएम की शख्सियत ने आपसे रबता करने की कोशिश की कि आया अगर हम आपके पास आना चाहें, कोई बेनिफिट जिस तरह से बेनिफिट की अगर अब एक नाम बड़ा चल रहा है बेनिफिट का, अगर कोई बेनिफिट मिलता है तो आपके साथ आ जाएंगे, कुछ आई है ऐसी कॉल आपके पास? बिल्कुल आई है, 3 लोग तो कंफर्म है, मैं नाम नहीं लूंगी, वो लोग आए हैं और वो कह रहे हैं हम आपके साथ हैं और हमें ऐड करें हम अपने पीटीआई में, और दे आर रेडी टू टेल ऑल, इनकी अंदर की कथा चथा जो है ना सब सुनाना चाह रहे हैं। अब सारे कोई इस्लामाबाद जा रहा है, कोई लाहौर आ रहा है कराची से, तो खरीदो फरोख्त के लिए आ रहे हैं, और ये पर्ची सिस्टम नहीं चलना चाहिए, ये बैलेट बॉक्स के नीचे रख के, चलिए पर्ची सिस्टम नहीं चलना चाहिए, बस आखिर में ये बता दीजिए कि जिस तरह से अब सुप्रीम कोर्ट ने जो सदारती रेफरेंस जो ऑर्डिनेंस का जो मामला था वो पार्लियामेंट के कोर्ट में डाल दिया, क्या कहेंगे इस पे? अब देखिए प्रेसिडेंट साहब ने जब सुप्रीम कोर्ट में ये लाए तो पार्लियामेंटेरियंस का भी हक है कि वो भी हक के फैसले करें, और आई थिंक
जितने भी पाकिस्तान को चाहने वाले पार्लियामेंटेरियंस हैं वो यही बोलेंगे कि ये हैंड रेस करके सेनेट का इलेक्शन। ठीक है, बहुत शुक्रिया नील मिर्शा साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। और जिस तरह से सूरत हाल है मुकम्मल, पीटीआई इस बात को डिनाई कर रही है कि उनके अंदर कोई टूट फूट मौजूद नहीं है, कोई इनसे मुनहरफ नहीं है, और जो उनसे अगर परेशान भी है तो शायद उनके जो कारोबार हैं, जो ले देन का जो मामला है वो अब ठंडा होता हुआ दिखाई दे रहा है, और ऐसे लोग पीटीआई के अंदर नहीं रहेंगे। क्या पीटीआई के अंदर ऐसे लोग मौजूद हैं अभी भी कि पैसे लेके वो अपनी जगह पे खड़े हो सकते हैं या कहीं भी बिक सकते हैं? और जो जिस तरह से उन्होंने कहा कि ऑपोजिशन के या पीडीएम के कुछ लोग उनसे रابطे में हैं, तो क्या ऑपोजिशन के लिए भी या थोड़ा परेशानी का बायस बन सकता है या आने वाला वक्त बताएगा? प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।